हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन में। आज आप बनावीशू दालवड़ा रेसिपी और वाटीदाळना भजिया पण कहेवामां आवता होय छे। अने आ दालवड़ा हूँ चणानी दाळमांथी बनावता शीखवाड़ीश। वडोदरा साइड आपणे दालवड़ा चणानी दाळना बनता होय छे। तो चालो वरसादनी सीजन में दालवड़ा बनावानुं शरू करीए। दालवड़ा बनावा माटे मैं लीधी छे 1.5 कप चणानी दाळ, एनी वजन में 300 ग्राम है। एनी साथे आपणे लीधी छे 1 मोटी चमची मगनी दाळ, 1 मोटी चमची चोखा, कोरा चोखा लेवाना छे आपणे। एनी साथे ज मैं लीधुं छे अड़दनी दाळ, ए पण 1 मोटी चमची लीधी छे। मगनी दाळ, अड़दनी दाळ अने चोखा एड करवाथी दालवड़ा सॉफ्ट बनशे। तो हवे आपणे एक मोटुं वासण लई लीधुं छे, तो एमां आपणे एड करी दઈએ बधुं। हवे आपणे आ दाळने 2 થી 3 वार पाणी थी सरखी रीते आ रीते मसळी मसळीने धोई लईए। तमे जोई शको छो के एमांथी कोई गंदो कचरो के पछी पावडरवाळी दाळ होय तो नीकळी जाय, एटले आ रीते एने 2 થી 3 वार पाणीथी साफ करी लईए आपणे। तो मैं एने 2 થી 3 वार पाणीथी साफ करी लीधी छे। तो हवे आपणे दाळ डूबे एटलुं पाणी एड करी देवानुं छे। तो हवे आपणे आ दाळने पलाळीशुं। लगभग 5 कलाक जेटली आपणे एने पलाळी राखवानी छे, एटले हवे ढांकी दઈએ आपणे एने अने 5 कलाक माटे एने पलळवा दईशुं, जेथी दाळ सरस पलળી जाय। तो 5 कलाक पछी आपणे जोईशुं के आपणी दाळ जे छे ते सरस पलળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે આનું પણ પાણી કાઢી નાખવાનું છે, તેને ફરીથી એકવાર મસળી લો અને આનું પાણી કાઢી નાખો। પછી આપણે મિક્સરમાં એને ક્રશ કરીશું। तो मैं पाणी काढ़ी लीधुं छे। तो हवे आपणे एक मिक्सर जार लई लीधो छे, ते एनी अंदर दाळ एड करीए। आपणे जो दाळ एक वार ना वटाय तो आपणे आ रीते 2 पार्टमां वाटवानी, एटले सरखी रीते वटाई जाय। तो आ रीते आपणे थोड़ी थोड़ी दाळ एड करीने पीसीशुं। तो हवे आपणे दाळमां तीखा લીલા મરચાં લીધા છે તે એડ કરીશું 4, અને લસણ લીધું છે તે એડ કરીએ। લસણની મોટી કડી છે એટલે મેં 6-7 જેવી લીધી છે। હવે અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો એડ કરીશું। લગભગ નાની કડી હોય લસણની તો 10-12 એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણે એને પીસી લઈએ। ધ્યાન રાખવાનું કે દાળમાં પાણી એડ નહીં કરવાનું અને આ રીતે પીસી લેવાનું। પછી જરૂર પડે તો આપણે આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં થોડું પાણી એડ કર્યું છે અને આ રીતે આપણે પીસી લેવાનું છે। આ રીતે મિક્સ કરતા જાઓ અને દાળને પીસતા જવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણું દાળનું ખીરું છે તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતે હોવું જોઈએ અને એમાં કોઈ એક બે દાળના ટુકડા રહી ગયા હોય તો પણ ચાલશે। તો આ આપણું પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। એ જ રીતે આપણે બીજું પણ પીસી લેવાનું છે જે બાકીની દાળ છે તે। તો આપણું સરસ ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે એની અંદર स्वाद अनुसार मीठू एड करी अने मिक्स करी लेवानुं छे। फ्रेंड्स, तमने तीखू गमतुं होय तो तमे लीला मरचां वधारे पण एड करी शको छो। अने अमुक लोको आमां फ्रेश धाना पण एड करता होय छे, तमे ए पण एड करी शको छो। तो आ सरस मिक्स थई गयुं छे। तो हवे आपणे एने ढांकी 1 कलाक माटे रेस्ट आपीए, जेथी आपणा जे दालवड़ा छे ते सरस उतरशे। तो 1 कलाक माटे आपणे ढांकीने रहेवा दઈએ। 1 કલાક થઈ ગયો છે તો આપણે ખોલીને ફરીથી આપણે ખીરુંને એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, આમાં ખાવાનો સોડા એડ કરવાની જરૂર નથી, આમાં ખાવાનો સોડા એડ ના થાય। તો આને એકવાર એક સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને ગેસની ઉપર તેલને ગરમ થવા દઈએ। જો તમને તીખું વધારે ભાવતું હોય તો તમે લીલા મરચાં વધારે એડ કરી શકો છો। તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। જ્યારે આપણે વડા એડ કરીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખવાની છે। આપણે ગેસને ફાસ્ટ રાખવાનો, फास्ट राखी अने आ रीते वड़ा एड करवाना छे। अने ज्यारे वड़ा बधा मुकाई जाय पछी आपणे गैसनी फ्लेम मीडियम टू स्लो करी देवानी। तो आ रीते आपणे वड़ाने मूकता जवानुं छे। हवे आपणे गैसनी फ्लेम स्लो करी दઈએ, स्लो टू मीडियम करी देवानी छे। अने एने तरत एने हलावाना नहीं, नहीं तो ए तूटी जाय। थोड़ी वार रही अने पछी एने फेरवाना। तो 1 થી 2 मिनिट थई गया पछी आपणे आने आ रीते फेरवी देवाना छे अने आ रीते थोड़ी थोड़ी वारे एने हलावता रहो, जेथी सरस बधी बाजुथी आपणा जे वड़ा छे तैयार थई जाय, सरस तळाई जाय। अने आपणे जे वड़ाने छे थोड़ा लाल पड़ता तळवाना छे, जेथी उपरथी एकदम क्रिस्पी अने अंदरथी एकदम सॉफ्ट बने। अने आ ज रीते एने हलावता रहो थोड़ी थोड़ी वारे। तमे जोई शको छो के सरस आपणा जे ભજીયા વડા છે તે સરસ લાલ થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। એકદમ સરસ તળાઈ પણ ગયા છે अने आने आपणे हवे काढी लेवाना छे, तमे जोई शको छो। अने आने हवे फरी तळवानी पण नहीं जरूर पड़े, एटला सरस क्रिस्पी अने अंदरथी सॉफ्ट थई गया छे। तो एने आपणे टिश्यू पेपर में काढी लईए। तो आ ज रीते आपणे बीजा दालवड़ा तैयार करी लईए। तो आ आपड़ा दालवड़ा बनीने तैयार छे। एने तळेला मरचा अने डूंगळीना सलाड साथे सर्व करो, गरम गरम सर्व करो, जेथी खावामां खूब ज मजा आवे। अने वरसादमां तो आ खावामां खूब ज मजा पड़ी जाए। तो घरे आ रेसिपीने एक बार जरूरथी ट्राय करजो। रेसिपी पसंद आवे तो लाइक अने शेर करवानुं ना भूलता, अने गुजराती किचन चेनलने सब्सक्राइब जरूरथी करजो। बेल आइकन जरूरथी क्लिक करो, जेथी तमने मारी बधी रेसिपीनी नोटिफिकेशन सौथी पहेला मळे। मळीशुं आपणे एक आवी नवी रेसिपी साथे, त्यां सुधीने आवजो।